नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां महिला आईपीएस पुलिस अधीक्षक पूनम जब सड़कों पर निकली तो किस तरह का नजारा दिखा, आप खुद ही देखें। लखीमपुर खीरी तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए एसपी पूनम ने एक अभियान चलाया। आईपीएस लेडी सिंघम पूनम ने बाजार और सार्वजनिक स्थलों का खुद जायजा लिया। रात में निकले, संपूर्ण लॉकडाउन खोलने से पहले व्यापारियों को दी गई थी कुछ जरूरी गाइडलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क को अनिवार्य किया गया था। बाजारों में दुकान को खोलने और बंद करने का निर्धारित समय भी तय किया गया था, सुबह 10 बजे से और रात 8 बजे सभी शटर डाउन होने थे। 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू। लेकिन कुछ दिन तो गाइडलाइन का पालन हुआ, लेकिन इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और न ही चेहरे पर मास्क नजर आया। इसी बात को लेकर पुलिस अधीक्षक पूनम खुद ही निकल पड़ी बाजारों का हाल जांचने। बाजारों की तस्वीर तो कुछ अलग ही थी। समय सीमा के बाद भी लोग आधा शटर खोले पाए गए, जिन पर पुलिस अधीक्षक पूनम का गुस्सा फूटा। वहीं बसों और सड़कों पर भी बिना लगाए मास्क लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। जनता के प्रति सजग रहने वाली लेडी सिंघम पूनम को कोरोना की जंग लापरवाही बर्दाश्त नहीं। तो ऐसे में आप जरा तस्वीरों में गौर फरमाइए कि जब लेडी सिंघम निकली तो सड़कों पर किस तरह का नजारा देखने को मिला। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। पूरा अभियान चलाकर जनपद में जो मास्क नहीं पहन रहे उनके चालान किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों का चालान किया जा रहा है। और इसका जनपद में पिछले 2 दिवस में 8,000 चालान किए जा चुके हैं। आज यह अभियान लगातार जारी है और इसी के साथ ही जो दुकानें हैं वो नियमों का पालन करें और समय अवधि के उपरांत ना खुलें, ये हम देख रहे हैं और स्वयं हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।